हमने अवकलन से संबंधित पिछले कुछ वीडियो में ये जाना कि किस प्रकार से एक चर फलनों के अवकलन किए जाते हैं, पर हमारे मन में एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि अर्थशास्त्र में अवकलन क्यों लेकर आए हैं, ये तो गणित का विषय है, हम अवकलन को अर्थशास्त्र में क्यों पढ़ रहे हैं। उसी दृष्टि से इस वीडियो को बनाया गया है। सामान्य रूप से हम ये सोचते हैं कि अवकलन गणित में पढ़ाया जाता है और पढ़ाया भी गणित में ही जाता है, पर हम अर्थशास्त्र में इसका क्या उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, जो इकोनॉमिक्स में हम जब भी कोई गणना करते हैं तो हमको सीमांत लागत की जरूरत होती है, कई बार हमको सीमांत उत्पादन की जरूरत होती है, कई बार हमको सीमांत उपयोगिता की जरूरत होती है। तो अवकलन के माध्यम से हम सीमांत की गणना कर सकते हैं। अगर आपके पास टोटल यूटिलिटी दे रखी है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ज्ञात करने के लिए आप टोटल यूटिलिटी का डी बाई डी एक्स कर लेंगे तो आ जाएगा। यानी कुल से सीमांत ज्ञात करने के लिए कुल का प्रथम अवकलन किया जाता है। इसी प्रकार से कई बार हमें उत्पादन की वह मात्रा ज्ञात करनी होती है जहां औसत व सीमांत लागत बराबर हो, तो जब आप अवकलन के माध्यम से पहले सीमांत लागत निकालेंगे फिर औसत लागत करके उनको बराबर करेंगे, तो कई ऐसी चीजें हैं, आपको मैक्सिमम मिनिमा की गणना करनी हो तो भी अवकलन उपयोगी होता है, उसका डिस्कशन हम अगले चैप्टर में करेंगे। तो यहाँ ये बात है कि अवकलन का अर्थशास्त्र में क्या प्रयोग है, जब भी हमको कुल से सीमांत लागत ज्ञात करनी हो तो अवकलन का प्रयोग करना पड़ता है। अगर हमको किसी स्थिति में लाभ अधिकतमीकरण की गणना करनी हो तो भी वहां अवकलन प्रयोग में आता है। तो यहाँ इस वीडियो में हम कुछ जानेंगे कि किस प्रकार से अर्थशास्त्र में अवकलन उपयोगी होता है। तो पहली चीज, जितने भी सीमांत निकालनी है, अगर आपको मार्जिन टोटल प्रोडक्शन दिया हुआ है और मार्जिनल प्रोडक्शन निकालना है तो आप डी बाई डी एक्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन कर दीजिए। इसी प्रकार से आपको टोटल रेवेन्यू दे रखा है और मार्जिनल रेवेन्यू ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, एम आर निकालना है तो क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ डी आर कर देंगे। यानी जितने भी हमको सीमांत ज्ञात करने हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुल का अवकलन करके हम सीमांत की गणना कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए, अगर हमको एवरेज प्रोडक्शन निकालना है तो टोटल प्रोडक्शन में क्वांटिटी का भाग दे देंगे, एवरेज रेवेन्यू निकालना है तो टोटल रेवेन्यू में क्वांटिटी का भाग दे देंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में क्वांटिटी का भाग दे देंगे, एवरेज कॉस्ट निकालनी है तो टोटल कॉस्ट में क्वांटिटी का भाग दे देंगे, एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो टोटल फिक्स कॉस्ट में क्वांटिटी का, ये हम पहले पढ़ चुके। पर ये अगर मार्जिनल निकालना है, मार्जिनल प्रोडक्शन निकालना है तो हम डी बाई डी क्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन करेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है तो डी बाई डी एक्स या डी बाई डी क्यू ऑफ टोटल रेवेन्यू करेंगे, मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो डी बाई डी एक्स ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है तो डी बाई डी एक्स ऑफ टोटल कॉस्ट। यानी क्या है कि अवकलन का अर्थशास्त्र में क्या प्रयोग है कि सामान्य रूप से जो भी सीमांत ज्ञात करना होता है, सीमांत ज्ञात करने के लिए हम कुल का अवकलन करते हैं। मैं एक दो क्वेश्चन करके बताता हूं जिसमें किस प्रकार से हम सीमांत लागत कुल लागत से निकाल सकते हैं और उससे कैसे अवकलन का प्रयोग कर सकते हैं उसको देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमको दरकार टोटल कॉस्ट, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, 5000 टोटल कॉस्ट देखिए, 5000 प्लस 1000 क्यू माइनस 2/3 क्यू स्क्वायर माइनस 500 क्यू स्क्वायर प्लस 2/3 क्यू रेस टू पावर 3, ये टोटल कैसे दे रखिए। तो एवरेज कॉस्ट व मार्जिनल कॉस्ट ज्ञात करो, क्वेश्चन आया है, क्या क्वेश्चन पूछा है कि टोटल कॉस्ट दे रखिए 5000 प्लस 1000 क्यू माइनस 500 क्यू स्क्वायर प्लस 2/3 क्यू रेस टू पावर 3, तो वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना है, टोटल कॉस्ट में क्वांटिटी का भाग देना है, तो यह क्या करेंगे, 5000 प्लस 1000 क्यू माइनस 500 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2/3 क्यू रेस टू पावर 3 में क्वांटिटी का भाग दे देंगे, तो यहाँ आपका आ जाएगा 5000 डिवाइडेड बाय क्यू रह जाएगा, यहाँ क्यू से क्यू कटेगा तो 1000 रह जाएगा, या 500 क्यू स्क्वायर से क्यू कटेगा तो क्यू रह जाएगा, और यहाँ 2/3 क्यू रेज टू पावर 3 से 3 है ना तो एक कट जाएगी पावर तो 2 रह जाएगी। ये तो आपका हुआ एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट निकालना है
तो आपको इसका अवकलन करना पड़ेगा, 5000 का अवकलन जीरो हो जाएगा क्योंकि अचर संख्या का अवकलन जीरो होता है। जैसे 2x का 2 होता है, 10x का 10 होता है, तो 1000 क्यू का 1000 हो जाएगा, माइनस 500 इसका 2q हो जाएगा, प्लस 2/3 इसका घात आ गया ही, घात में से 1 घटाए, ये आपका अवकलन हुआ। तो ये मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी 1000 माइनस 1000 क्यू, 3 से 3 कटेगा, प्लस 2q स्क्वायर। तो देखिए हमने बहुत आसानी से टोटल कॉस्ट हमारे पास दी हुई थी, उससे एवरेज कॉस्ट निकाल और मार्जिनल कॉस्ट निकाल। कई बार प्रश्न में ये पूछा जाता है कि उत्पादन की वह मात्रा कहाँ होगी जहाँ ये दोनों बराबर होगी, तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन ये बनाया, सेकंड इक्वेशन ये बनाया, ऐसे क्वेश्चन कराएंगे तो उन दोनों को हम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। और क्वेश्चन लेते हैं जो कि अर्थशास्त्र में काम आने वाली चीज है कि किस प्रकार से हम इसको अवकलन को अर्थशास्त्र में प्रयोग में लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया कि इफ टोटल कॉस्ट इज गिवन 50 माइनस, देखिए कुल लागत दे रखी 50 प्लस 6x माइनस प्लस 60x माइनस 12x स्क्वायर, 50 प्लस 60x माइनस 12x स्क्वायर प्लस x रेस की पावर। तो इसमें दो चीज पूछी है, इसमें दो चीज पूछी, एसी कहां है और एमसी, यानी एवरेज कॉस्ट क्या होगी, मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी। एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट में x का भाग देंगे। तो देखिए 50 में x का भाग देंगे तो 50/x हो जाएगा, 60x में x का भाग देंगे, माइनस 12x स्क्वायर में भी x का भाग देंगे और x रेस्ट पावर 3 में भी x का भाग देंगे। तो ये हो जाएगा 50/x, यहाँ 60 रह जाएगा, x x कटेगा, यहाँ 12x रह जाएगा, एक स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ x रेस्ट पावर। मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे तो इसका अवकलन करेंगे तो 50 का अवकलन 0, क्योंकि देखिए मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू d/dx ऑफ टोटल कॉस्ट। तो देखिए 50 का अवकलन करेंगे 0, 60x का अवकलन 60 तो हम का कर चुके हैं, 12 इसका अवकलन 2x और इसका घात आ गई, घात में से घटाया तो आंसर हो जाएगा 60 माइनस 24x प्लस 3x रेस्ट पावर 2। तो इस प्रकार से कुल से जब भी आपको सीमांत ज्ञात करनी हो तो आप कुल का प्रथम अवकलन कर देंगे तो आपको सीमांत मिल जाएगा। कुछ और क्वेश्चन करते हैं ताकि बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि किस प्रकार से अवकलन को अर्थशास्त्र में प्रयोग में लिया जा रहा है। जैसे आपको दे रखा है पी बराबर 100 माइनस 4x, ये दे रखा है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि इफ इनकम इज गिवन, प्राइस इज गिवन 100 माइनस 4x, देन कैलकुलेट मार्जिनल रेवेन्यू। तो देखिए हमें पता है टोटल रेवेन्यू बराबर होता है प्राइस गुणा x, तो टोटल रेवेन्यू हो जाएगा 100x माइनस 4x स्क्वायर और मार्जिनल रेवेन्यू इज d/dx ऑफ टोटल रेवेन्यू, सो दैट विल बी 100 माइनस 8x। बहुत सिंपल, आपको क्या दे रखा है, कीमत दे रखी है 100 माइनस 4x और आपसे पूछा कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा। तो मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए पहले हमने टोटल रेवेन्यू p गुणा x, तो इसमें 100x और इसमें x का x स्क्वायर हो गया। अब इसका 100x का 100 हो गया और इसका 8x हो गया। बहुत सिंपल सी चीज है पर हमको लगता है कि कैसे निकालेंगे, तो इसीलिए हमने पहले से अवकलन पर बहुत अच्छी कमांड करी है कि अवकलन हमें अच्छे से आ जाएगा तो हम उसको कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आता है, इस एवरेज कॉस्ट दे रहा है 160/q, ये क्वेश्चन आया हुआ है यूनिवर्सिटी में, प्लस 5 माइनस 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर सॉरी, देन कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट क्या। देखिए एवरेज कॉस्ट दे रखी है, उससे मार्जिनल कॉस्ट पूछिए, तो हमको पता है कि एवरेज कॉस्ट बराबर होता है टोटल कॉस्ट बटे क्वांटिटी, सो टोटल कॉस्ट बराबर होगा एवरेज कॉस्ट गुणा क्वांटिटी, या पस में गुणा। तो टोटल कॉस्ट आपकी हो जाएगी 160q/q प्लस यहां क्यू मल्टीप्लाई होगा, यहां क्यू मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर हो जाएगा, यहां क्यू मल्टीप्लाई होगा घात 3 हो जाएगी। तो टोटल कॉस्ट हमारी हो जाएगी 160+5q-3q² + 2q⁴। और अब मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए d/dq ऑफ टोटल कॉस्ट कर देंगे, अवकलन कर देंगे तो इसका 0 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 5, इसका आ जाएगा 6q और इसका हो जाएगा 6q² ये बहुत सिंपल है,
अच्छे से आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कई बार एसी न्यूनतम की बात करते हैं, तो एक क्वेश्चन हम वो भी कर लेते हैं, फिर आगे जब और क्वेश्चन करेंगे तब हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम अवकलन को अर्थशास्त्र में जगह जगह प्रयोग में लेंगे। अगर देखिए ये क्वेश्चन भी यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के पेपर में आया हुआ है, 5q² + 5q + 2000। तो हमको ये बताना है कि एसी न्यूनतम का हो, तो एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, एसी बराबर हो जाएगा 5q + 5। एवरेज कॉस्ट निकालना है तो 5q, ये 5, ये 2000 डिवाइडेड बाय 2। टीसी दे रखा 5q² + 5q + 2000, तो क्यू। अब आपको एसी न्यूनतम का पूछा जाए तो एसी न्यूनतम कहां होगी जहां एमसी और एसी बराबर होंगे, तो मार्जिनल कॉस्ट निकालना है इसका। मार्जिनल कॉस्ट आया 10q + 5, एसी बराबर एमसी करना है। देखिए क्या किया, टीसी दे रखा था 5q² + 5q + 2000, इससे हमने एवरेज कॉस्ट निकाला। एवरेज कॉस्ट निकाला तो 1q इसमें कट गया, 1q इसमें से कट गया और 5000/q, और मार्जिनल कॉस्ट निकाला तो इसका अवकलन किया, तो इसका अवकलन शून्य हो गया, 5q का q 5 हो गया, और इसका अब इसको बराबर करेंगे तो आएगा 5q + 5 + 2000/q बराबर 10q + 5। इस 5 प्लस से ये इधर का कट गया, तो यह 2000q बराबर 10q - 5q, 5q उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो आएगा 2000/q, दैट इज 5q। यहां हम लिख सकते हैं इसको 2000 = 5q² या 5q² = 2000, तो q² = 4, और तो q = कितना आ जाएगा 20, यानी उत्पादन की मात्रा ऐसी उत्पादन की मात्रा 20 होगी जहां औसत लागत न्यूनतम होगी, क्योंकि हम पहले से भी पढ़ चुके हैं कि जिस बिंदु पर औसत लागत न्यूनतम होती है वहां सीमांत लागत उसको काटती है, तो इस बिंदु पर एसी बराबर होता है एमसी के, और हमने यही किया, एसी बराबर किया एमसी के, और इससे हमने क्यू का मान निकाला। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र में अवकलन का बहुत अधिक प्रयोग है। हम अब नेक्स्ट वीडियो जो करेंगे जिसमें हम मैक्सिमम मिनिमम वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें इसको और अच्छी तरीके से हम समझेंगे कि किस प्रकार से जगह जगह पर अवकलन का प्रयोग अर्थशास्त्र में किया जा सकता है। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा और आसानी से आप अर्थशास्त्र में अवकलन के प्रयोग को इसके माध्यम से समझ पाएंगे। थैंक यू।